मोदी सरकार ने आज फिर तीन हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ पिछले 15 दिनों में 5 हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान मोदी सरकार की तरफ से किया गया है। पहले सामाजिक न्याय की पुरोधा कहे जाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर को, फिर राम मंदिर आंदोलन के जनक और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को, और आज तीन लोगों को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया है। उसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता रहे पीवी नरसिम्हा राव, किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले एमएस स्वामीनाथन का नाम शामिल है। तो ये तीन हस्तियों को आज भारत रत्न दिए जाने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है, उनकी सरकार की तरफ से किया गया है। तो मोदी सरकार ने जिन 5 लोगों को इस साल भारत रत्न देने का ऐलान किया है उसका 5M कनेक्शन भी बताया जा रहा है, जिसमें पहला नाम है कर्पूरी ठाकुर का, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने ही पहली बार पिछड़ों को आरक्षण दिया था, जो आगे चलकर मंडल कमीशन का रूप लिया और पूरे देश में ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिला। जो दूसरा नाम है, दूसरी हस्ती जिसे भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, वो है लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने देश में राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने देश तुष्टिकरण के खिलाफ आवाज उठाई और हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की, जिसका नतीजा आज देश के सामने दिख रहा है। तीसरा नाम है पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का, जिन्हें आज भारत रत्न देने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। इन्होंने अपने कार्यकाल में भारतीय बाजार को विदेशी मार्केट में खोला और भारत में ग्लोबलाइजेशन का श्रेय भी नरसिम्हा राव को ही जाता है, उनकी सरकार को ही जाता है। चौथा नाम, चौथी हस्ती जिन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, वो है पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह का, जो जाटों के बड़े किसान नेता थे, जिन्होंने अनाज मंडी की बात कही थी। जो पांचवा नाम है, जो पांचवी हस्ती है, वो है कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, जिन्होंने भारत में हरित क्रांति की राह दिखाई, भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। तो इन 5 हस्तियों को अभी तक भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हो चुका है और अलग अलग क्षेत्र से देखिए 5 लोग आते हैं, अलग अलग योगदान इनका भारत के लिहाज से रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो भी साफ तौर पर इन नामों में झलकता है। लोकसभा चुनाव से पहले 5 हस्तियों को भारत रत्न देने को मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कैसे मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है और कैसे इसे 24 के चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है, आपको ये भी समझाएंगे। क्योंकि जिन 5 लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, जिन 5 अलग अलग राज्यों से ये 5 लोग आते हैं, वहाँ 210 सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। चौधरी चरण सिंह का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। कर्पूरी ठाकुर का ताल्लुक बिहार से है, जहां पर 40 लोकसभा की सीटें हैं। आडवाणी गुजरात से सांसद रहे हैं और वहीं से उनका नाता है, ऐसे में वहां की 26 सीटें। नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश से आते हैं, ऐसे में वहाँ की 26 सीटें। और एम एस स्वामीनाथन तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में वहाँ की 39 सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर समीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेट कर रहे हैं और माना यह जा रहा है कि जो फैसले भारत रत्न को लेकर लिए गए हैं, ये भारत रत्न के जो फैसले हैं, ये साफ झलकाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की, जिनको भारत रत्न देने से बीजेपी को क्या फायदा होगा, जल्दी से आपको समझा देते हैं। चौधरी चरण सिंह सबसे बड़े जाट लीडर हैं और इनका प्रभाव न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि जाट बाहुल्य राज्यों में भी रहता है। आपको जानकारी दे दें कि इससे जाट वोटर्स बीजेपी से जुड़ेगा, जिसका लाभ पश्चिमी यूपी और हरियाणा में बीजेपी को मिलेगा। साथ ही अब आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ बीजेपी का गठबंधन होगा, मतलब पश्चिमी यूपी की 18 सीटों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो सीटें जो 2019 में बीजेपी जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी, खासकर जो मुरादाबाद मंडल का रीजन है, वहां की सीटों को नहीं बीजेपी जीत पाई थी। इस बार ऐसा माना जा रहा है कि जयंत चौधरी के साथ आने के साथ, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के साथ ही जाटों का जो वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ जुड़ेगा, इंटैक्ट होगा, हिंदुत्व का कॉम्बिनेशन काम करेगा और इससे बीजेपी उन सीटों पर भी जीत हासिल करेगी जो बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रहती है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है
उत्तर प्रदेश के लिए यह और भी अभिनंदनीय है, क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने अतुलनीय सेवा उत्तर प्रदेश को दी। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक दिशा प्राप्त की थी। तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत पूरे देश में हो रहा है। इस पर आरएलडी प्रमुख और चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने भी खुशी जाहिर की है और साफ कर दिया है कि वो अब बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। जयंत चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे पिता के सपने को पूरा किया है, यानी अजीत सिंह के सपने को पूरा किया है, और ऐसा करने वाले सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं इस देश में, ऐसा काम सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, और वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरे लिए भावुक पल हैं, ये यादगार पल हैं, स्मरणीय हैं। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि ये उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है, 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है, बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं, और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। बहुत समय से गांव के लोगों में एक टीस थी कि जो उनके बीच के व्यक्ति इतने बड़े राजनेता, बड़े बड़े पदों पर रहते हुए, उनके लिए जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनका प्रभाव आज भी कमेरा वर्ग, किसानी और मजदूरी कर रहे लोगों पर पड़ता है, चौधरी चरण सिंह जी, जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। जयंत चौधरी ने अपनी खुशी जाहिर की। अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का पूरा समीकरण क्या है, आप ये भी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी इस बार ये टारगेट लेकर चल रही है कि 80 में से 80 लोकसभा सीटें बीजेपी को जीतनी है। ऐसे में जरूरी है 17% जाटों को अपने साथ लेकर आना। 18 लोकसभा सीटें जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती है, उन 18 लोकसभा सीटों पर कमल को खिलाना, एनडीए को जिताना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के साथ ही माना जा रहा है कि ये जाटों का वोट जो बट सकता था, जो भारतीय जनता पार्टी से छिटक सकता था, वो अब पूरा एक साथ आ जाएगा। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसा दावा किया जाता रहा है कि 91% जाटों का वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला, बीजेपी को मिला, और इस बार चूंकि जयंत चौधरी भी साथ आ रहे हैं, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया है, तो ये 100% हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो 18 सीटों पर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो एक तरफ इसके ये सियासी नफा नुकसान समझे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं और ये मांग तो वो लंबे समय से कर रहे थे। बहुत बधाई, और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, जयंत जी से कोई बात हुई है? इधर बात नहीं हुई है, और जो बातें हो रही है वो सब अखबारों में छप रही हैं, तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इसे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पर मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए।
तो देखिए, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का फैसला पूरे देश में किया जा रहा है और खासकर जो खुशी है वो खुशी जाट समुदाय में देखने को मिल रही है। और इसी के साथ बीजेपी मिशन 80 को लॉक करने में जुट गई है, 80 की 80 सीटें जो हैं सील करने में जुट गई है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के साथ ही पश्चिमी यूपी का मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, बागपत, बिजनौर, मथुरा, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली जैसे जिलों में बीजेपी को सीधा फायदा होगा। इसीलिए बीजेपी अब तमाम समीकरणों को सेट करने में जुट गई है। संजीव बालियान जी हमारे साथ हैं। बालियान साहब, कैसे देखते हैं, आज 3 भारत रत्नों का अनाउंसमेंट किया गया और उसमें से 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका एग्रीकल्चर क्षेत्र में खासा योगदान है, चाहे चौधरी चरण सिंह हो या फिर हरित क्रांति के जनक। इसीलिए मैं खुश हूँ आज। पिछले 30 सालों से ज़्यादा हो गए, बहुत सरकार आई, बहुत चलेगी, हम सबकी डिमांड रहती थी। जीरो ओवर में अगर आप देखेंगे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा से जुड़े सांसद हमेशा एक बात कहते थे कि चौधरी चरण सिंह को भारत, बहुत सरकारें आई चली गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, अभिनंदन कि किसानों से जुड़े हुए 2 व्यक्ति को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला है और वाकई उन्होंने काम भी किया है। चौधरी चरण सिंह तो आज़ाद भारत के सबसे बड़े किसान नेता में रखूँगा और स्वामीनाथन जी का भी बड़ा योगदान कृषि के क्षेत्र में रहा है, तो 2 भारत देश के किसानों का। एक ये ऐसे टाइम पे आज अनाउंसमेंट हुआ है जब विपक्ष लगातार से आरोप लगाता है कि सरकार किसानों की अनदेखी करती है। देखिए, उनका काम तो आरोप लगाना है और विपक्ष हमारी बड़ाई तो करेगा नहीं। अब देखिए, मोदी सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के साथ न सिर्फ अपने जाट वोट बैंक को पक्का कर लिया है बल्कि एक और ऐलान जो आज प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया वो भी बीजेपी के लिए मुफीद साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भी आज भारत रत्न देने का ऐलान किया है, जिसके साथ ही सोनिया और राहुल की दुखती रग को जोर से दबा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। क्योंकि जिस नरसिम्हा राव के साथ गांधी परिवार ने बेरुखी दिखाई थी, पीएम मोदी ने उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान देकर जो नैरेटिव उनके खिलाफ गढ़ने की कोशिश की जाती है उसे ध्वस्त कर दिया है। यानी कांग्रेस के उस वर्ग को यह जरूर संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है कि हम हर एक नागरिक का ख्याल रखते हैं, हम हर एक उस नागरिक का ख्याल रखते हैं जिसने देश के लिए अपना अहम योगदान दिया है। साथ ही उन्होंने आंध्र प्रदेश के लोगों को भी एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की है और इसीलिए माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के चुनावों में भी बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके अपनी खुशी जाहिर की। पीएम ने लिखा कि उनके कार्यकाल में भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया, जिससे आर्थिक विकास के एक नए युग को बढ़ावा मिला। इसके अलावा भारत की विदेश नीति, भाषा और शिक्षा क्षेत्रों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो पीएम ने ट्वीट करके खुद ये जानकारी दी और उन्होंने बताया कि पीवी नरसिम्हा राव का योगदान इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है।